ड्राइंग सब्जेक्ट के अंतर्गत टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ सर्विस के अंतर्गत लेक्चर 6 में डेवलपमेंट ऑफ एक्सर्जन के साथ साथ शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ एनी इंसेक्ट को ड्रॉ करेंगे। तो हमारा आज का एक्सरसाइज है एन एंट मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ ए हेक्सागोनल प्रिज 40 mm बेस एज एंड 120 mm हाइट फ्रॉम ए कॉर्नर ऑन द बॉटम बेस टू द डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर ऑफ द टॉप बेस बाय द शॉर्टेस्ट रूट ट्रा द पाथ ऑफ द एंट इन द एलिवेशन। तो हमारा ये हेक्सागन है, हमने हेक्सागन कंप्लीट किया और ये फ्रंट टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू ड्रॉ किया इस प्रकार से, इसका नाम ए बी सी डी ई एफ लिया और नीचे के फेस का 1 2 3 4 5 सिख दिया, इसको प्रोजेक्ट किया इस प्रकार से। तो ये टॉप का ए डैस बी डैस सी डैस डी डैस और ये ए डे रहेगा ई एफ, तो नीचे लिख दिया ई डैस एफ डैस, इस प्रकार से ये 1 डैस 2 डैस 3 डैस 4 डैस और ये 5 और 6 पीछे है हिडन है, तो 5 डैस लिख दिया। इसके बाद हमने इसको हमने जो है डेवलपमेंट किया इसके स्ट्रेच आउटलाइन से, ये ये किया स्ट्रेच आउटलाइन का, ये ड्रॉ किया और ये भी ड्रॉ किया, इसकी लेंथ है 40 mm है, इसका साइड का लेंथ और इंटू सिक्स है साइड से, तो 240 mm ड्रॉ किया और इसको हमने फिर 40 mm के अच्छा पॉइंट्स मार्क कर लिए और इसको वर्टिकल ड्रॉ कर दिया सभी में, ये वर्टिकल सभी पे। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 और वापस बनाने तो यहाँ ऊपर A कैपिटल B कैपिटल C D E F और A वापस आ जाएगा। और शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ एंड का क्या होगा, यहाँ से चल के और जब ये ऊपर यहाँ बॉटम मोस्ट लेफ्ट साइड से चल के जब यहाँ टॉप राइट राइट साइड में जाएगा तो इसको ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो इस पर किस प्रकार रहेगा, तो ये जो है यहाँ से ये 1 से लेके ये D तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इस प्रकार से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया हमने, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। फिर हमने इसको ये जी तो यही ये एंड यही जी पर ही रहेगा, एच कहाँ पर रहेगा, एच को 2H को मेजर कर ले 2H, ये कौन सी लाइन पर है, बी टू पर है, तो ये बी और टू पर ये आर्क लगा दिया हमने, ये आर्क लगा दिया। इस पर आई कहाँ रहेगा, सी थ्री पर रहेगा या सी थ्री पर रहेगा, इसका डिस्टेंस भी हमने मेजर कर दिया कितना है इसका डिस्टेंस, ये मेजर कर दिया और इसको सी थ्री पर हमने ये आर्क ऐसा लगा दिया। डी तो इस यहाँ पर है टॉप पर, तो यह रहेगा ही रहेगा। तो हमारा ये जो है एंड का जो है शॉर्टेस्ट पाथ इस प्रकार से पॉइंट से आ गए हैं, तो हम इनको मिला देंगे, इसको इसको हम तो हमारा ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया हमारा एंड इस प्रकार से मूव करेगा, तो स्ट्रेट लाइन सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ये है इस प्रकार से, इसका नाम हमने यहाँ जी, ये जी है तो इसको नाम जी दे दिया, ये सॉरी ये एच है और ये आई है और ये जे है, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हमने ड्रॉ कर दिया। तो आपको क्लियर समझ में आया होगा, हमने आज ये डिफरेंट टाइप का ये एक्सरसाइज दिया डेवलपमेंट ऑफ सरफेस टॉपिक के अंतर्गत, तो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, तो इसको लाइक करें, स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको इसका लाभ मिले, चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपको तत्काल इसकी जानकारी मिल सके। ओके थैंक्स।